हमारा प्लेटर जो है आ चुका है, जबरदस्त लग रहा है भाई। क्या इसका फेस निकल कर आ रहा है। और स्पेशलिटी में आपको ये बताऊं, ये बना हुआ है अगवानी पुलाव में भाई। देखिए भाई, ये पूरा अगवानी पुलाव उन्होंने रेडी करके रखा हुआ है। जबरदस्त पुलाव लग रहा है। और भाई क्या क्या चीजें होती है बड़े भाई आपके पास? ये सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी आपको। सब कुछ सिर्फ जाने का जरूरत, जायका भी वही होगा या? बिल्कुल VIP जायका, वही जायका नहीं हुआ फिर हम लोग इधर ही मौजूद है। इंशाल्लाह डबल पैसा ले रहे पितर भाई जान। अफगानी पुलाव मिलता है, अफगानी कबाब, नमकीन रोश मिलता है, पलेटर मिलता है, बिहारी कबाब, बिहारी बूटी मिलता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग आए हैं मलीर रफाई आम सोसाइटी। भाई यहाँ सामने दिखाओ, ये रफाई आम की चुरंगी और इसी के साथ ही बना हुआ है दीवाना खास भाई। अच्छा दीवाने खास, इसके पीछे एक बड़ी हिस्ट्री है भाई। दीवाने खास उसको कहा जाता था पिछले जमाने में, बादशाहों के दौर में जो एक मखसूस जगह होती थी बादशाहों के बैठ के खाना खाने की, उसको दीवाने खास बोला जाता था। तो भाई उसी की तरह से ये नाम रखा गया है रेस्टोरेंट का। और भाई इनके पास जबरदस्त जबरदस्त किस्म के प्लेटर्स होते हैं। और मेरा नहीं ख्याल मलीर के पूरे एरिया में कोई प्लेटर्स बेच रहा है यार, और इतने मुनासिब दाम में। तो भाई पूरे मलीर में और मलीर वालों को प्लेटर खाने अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आपके अपने इलाके में आपको प्लेटर मिल रहा है जबरदस्त किस्म का। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या सीन है, कैसा प्लेटर है, जायके में अच्छा है या ऐसी है। तो भाई जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं इनका प्लेटर। ये देखें भाई, इनके पास जो है अगवानी पुलाव भी होता है जबरदस्त भाई। और इनके पास सारी जो आपको अल आसिफ में चीजें मिलती है ना भाई, आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। प्लेटर, अगवानी बोटी, अगवानी पुलाव भाई जबरदस्त भाई, हर चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ये देखें भाई, ये पूरा अगवानी पुलाव उन्होंने रेडी करके रखा हुआ है भाई। क्या जबरदस्त पुलाव लग रहा है। लगी हुई है भाई, ये अगवानी बोटी है भाई जान, जबरदस्त भाई। बोल रहे अल आसिफ की सारी वैरायटी आपको यहाँ मिलेगी, है सच है? बिल्कुल सच बात है। और हर चीज यहाँ पर अवेलेबल है जो अल आसिफ में आपको। क्या क्या अवेलेबल है थोड़ा सा बताएंगे? अफगानी बोटी आपको मिलेगी, अफगानी पुलाव आपको मिलेगा, अफगानी कढ़ाई आपको मिलेगी, अफगानी रोस्ट आपको मिलेगा, नमकीन रोस्ट भी है, रोस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है, जबरदस्त भाई। और प्लेटर वगैरह का क्या सीन है यहाँ पर स्पेशली? मैंने सुना आपका प्लेटर बहुत ही ज्यादा मशहूर है यार, और उसके प्राइस वगैरह भी बताएं। प्लेटर तो हमारा माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा ही मशहूर है, बहुत ही ज्यादा। 1300 रुपए में आप 2 से 3 बंदे खा सकते हैं, 2 बंदे तो मतलब दो बंदों का प्लेट, 3 से 4 बंदे भी खा सकते हैं। नहीं करो यार, 3 से 4 बंदे खा लेंगे एक ही प्लेटर। मेरे जितने कितने खा लेंगे? आप भी जितने तो तकरीबन 4 बंदे खा सकते हैं। यार मैं इतना सूखा हो गया हूँ, अब सूखा तो नहीं हो गया लेकिन। अच्छा देख लो, क्वान्टिटी ज्यादा है आपके कहने का मतलब है, क्वान्टिटी हमारे ज्यादा है। ये क्या लगा रहे हैं बड़े भाई, ये क्या लगाया आपने? कौन सा? गार्लिक नान। ये गार्लिक नान लगाया भाई, सारी वैरायटी इनके पास मिलती है। ये गार्लिक लाग लग गया तंदूर में। ये देखें भाई यहाँ पर ये लग रहा है रोगनी नान, जबरदस्त भाई। यहाँ पे हमारा 4% प्लेटर रेडी होने जा रहा है। सबसे पहले इसमें आपने मसाला डाल दिया भाई, ये मसाला इसमें डाल दिया, मसाला यहाँ पे मसाला मिक्स होगा चावलों में। हाँ ये कैसा मसाला है, खट्टा मसाला है, मिर्चों वाला है? ये देखें भाई इसमें किशमिश किशमिश वगैरह सारी चीजें इसमें भरपूर इन्होंने डाली हुई है। 4% के लिए इतना बड़ा थाल माशाल्लाह से, 4% मन के खाने वाले हैं। 4K भाई 6 बंदे खाएंगे, ये 6-7 बंदे खा सकते, 6-7 ऊपर से इसकी सजावट कर रहे हैं किशमिश से, और ये कैरेट वगैरह आ गए। ये देखे ओहो बेहतरीन। ये कौन सी डाल लो बोटी, कौन सी है? विंग्स की बोटी। हाँ। ये भाई विंग्स की बोटियां हो गई, ये ड्रम स्टिक हो गया, इस पे विंग्स अलग हैं, ड्रम स्टिक अलग है इसमें। ये 2 तरह की यहाँ पे जो है वो चिकन के पीसेस हो गए। ये क्या है भाई? ये ड्रम स्टिक है, ये ड्रम स्टिक दोबारा से आ गया भाई, ये थाई हो गई। और क्या आने वाला है मजीद? मलाई बोटी भी आने वाली है। मलाई बोटी का भी सीन ऑन हो गया भाई, ये मलाई बोटी चेक करें, मलाई बोटी मलाई होगी, मलाई होगी भाई, ये मलाई बोटी हो गई। मलाई बोटी की 2 सीखे हो गई, 2 सीखे इसकी हो गई, 4 इसकी हो गई हैं, 6 सीखे यहाँ पे उतर चुकी हैं। ये देखें ये अभी हाल है इसका, इसके ऊपर क्या आता है, मलाई कबाब आ गया, ये मलाई कबाब आ गया इसके ऊपर। ये क्या आ गया? ये रेशमी कबाब है, ये रेशमी कबाब आ गया भाई इसके ऊपर। ये सीख कबाब भी इसके ऊपर आ गया, सीख कबाब, रेशमी कबाब, मलाई कबाब, मलाई बोटी, चिकन टिक्का, लेग पीस, थाई पीस सब हो गया इसके ऊपर। ये मिर्चे भी आ गए भाई, कैप्सिकम भी आ गई, और अब आने वाला है इस पे मलाई, मलाई भी डलेगी, आप डालेंगे? ये देखे वह मलाई अच्छे तरीके से जानी चाहिए लड़के, मलाई जानी चाहिए बेहतरीन तरीके से। फॉइल पेपर में रैप होके
राइट सीन कर दिया फुल अलमदीना वाला, मुझे वही सीन लग रहा है, वही सेटअप है, वही सीन है भाई प्लेटर का, बेहतरीन प्लेटर यहाँ पे फोर पर्सन के लिए इतना बड़ा प्लेटर हो गया है रेडी। फॉइल पेपर दूसरा अभी रेडी होके आ जाएगा भाई हमारे पास। हमारा प्लेटर जो है आ चुका है, जबरदस्त लग रहा है भाई, क्या इसका फेस निकल कर आ रहा है, अलग किस्म भाई लग रहा है। स्पेशलिटी में आपको ये बताऊं, ये बना हुआ है अगवानी पुलाव में भाई। अच्छा जितने भी प्लेटर इससे पहले मैंने खाए ना, या तो वो सादे पुलाव में खाए, अच्छा वैसी लोग जो है ना अगवानी पुलाव के दीवाने होते हैं यार, वैसी अल आसी वगैरह जाते हैं सिर्फ स्पेशली अगवानी पुलाव खाने। और अगवानी पुलाव में अगर आपको ये प्लेटर भी मिल जाए तो क्या ही बात है यार, ये देखें भाई। और इसको जल्दी से खाते हैं और इसको टेस्ट करके बताते हैं, जैसा कि भाई ने बताया है इसका जायका और रेट बाकी अच्छा है या सिर्फ ये दिखने में अच्छा लग रहा है, इसको खाते हैं और टेस्ट करके इसका आपको फिर रिव्यू देते हैं। प्लेटर आ चुका है, चटनी भी आ गई है, रायता भी इनसे मंगवा लिया है। अगर ये भूल जाए ना रायता को भाई, तो आप मंगवा लेना, रायता होता है इनके पास। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये चटनी है ना, ये बारबेक्यू आइटम्स हैं, सही है, इनको चटनी के साथ टेस्ट किया है, रायता तो मैंने आपको दिखाने के लिए मंगवा लिया, क्या कहते हो? ऐसा ही है भाई। तो इस पे आप डालते हैं चटनी। आप भी शुरू करें, सबसे पहले ये सीख कबाब इनका उठाते हैं, आप भी टेस्ट करें। सीख कबाब देखिए सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है कि मैं वो पुराना बासी गोश्त वगैरह चला रहा हूँ या फ्रीजर में रख के। और ये चिकन टिक्का, ये विंग्स हैं, ये मलाई बोटी, ये मलाई कबाब है जो हाथ में आती टूटी है, ये देखें। और मलाई बोटी भी थी इसमें, ये मलाई बोटी है, ये देखें। तो हर चीज़ जो है ना, जिस तरीके से चीज़ का नाम है, जिस तरीके से चीज़ होनी चाहिए, चीज़ की क्वालिटी भी वही दिख रही है। अब बारी आती है सुबह जो है ना भाई, ये देखें चावल, ये अफगानी पुलाव कहलाता है, इसमें किशमिश भी मिलेगी, कैरेट भी मिलेगी, चावल भी अच्छे हैं, खुशबू वाले चावल। मैंने वाजी तो ये बताया, इससे पहले हमने जहाँ भी प्लेटर खाए या तो वो सादे चावल में खाए या तो वो फ्राइड राइस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पर मैंने एक जगह पे खाया है, ये जो है ना भाई स्पेशली अफगानी पुलाव लोगों को वैसे ही पसंद होता है, उसके अंदर जायका ही अलग होता है यार, उसके अंदर प्लेटर भी बना रहे हैं। इसको ये हमने ले लिया है, क्या लिया था हमने जो है ये कबाब लिया था, और कबाब के ऊपर जरा ये भी रख देते हैं। बहुत सारी चीजें डाली यार, बहुत सारी चीजें यार, थोड़ा सा स्पाइसी है, रायता डाल लेते हैं। फोर पर्सन के लिए हैं, पर छह से सात बंदे, मैं बोलता हूँ आपके अगर सेवन पर्सन की फैमिली है ना, तो इसमें वो प्राइस अभी नहीं बताने, खाने के बाद बताने, खाने के बाद बताएंगे, चलो खाने के बाद बताएंगे। फोर पर्सन सेवन पर्सन की फैमिली इसमें खा लेगी, सिर्फ आपने चावल थोड़े से मेरे ख्याल में ज्यादा लेने होंगे। बेहतरीन जगह है, बेहतरीन इन्वायरमेंट है, रोड वगैरह भी साफ हैं, बहुत ही कम पैसों में बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है। इसके अलावा साथ में और भी बहुत सारे आइटम्स हैं, इसलिए अगर आप यहाँ पे विजिट करते हैं तो आपका दिल खुश होने वाला है। फैमिली जो है वो डाइनिंग अलग है, लड़के लड़के अगर आते हैं तो उनकी अलग है, बाहर अलग है, सारी फैसिलिटीज यहाँ पे हैं अवेलेबल। समीर भाई आप बताएं थोड़ा इसके बारे में। यार बासित भाई मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, पहले आप भी बता दें। और ज़बरदस्त भाई, कम पैसों में अच्छी चीज़, चार बंदों का प्लेटर है, इसको तकरीबन पाँच से छः बंदे उसको आराम से खा सकते हैं। और मैं बार बार आपको यही बात बोल रहा हूँ, ये अगवानी पुलाव ना मुझे इसने शौक करा, क्योंकि बासित भाई खा चुके हैं, मैंने पहले ही खाया है ये अगवानी पुलाव में प्लेटर, और भाई क्या लजीज लग रहा है, उसके अंदर बहुत सारी किस्म की चीज़ें डली हुई हैं। मलीर में बासित भाई शायद ही कोई बेच रहा है प्लेटर, कोई भी नहीं है ना, ये पहले दीवाने खास भाई, पहले ज़बरदस्त भाई, इसको फिनिश करते हैं फिर आपसे बात करते हैं। One hour later. जी जनाब, तो भाई यहाँ पर जो हमने प्लेटर खा लिया दीवाने खास का, और बड़ा ज़बरदस्त प्लेटर था यार, और पर्सनली मुझे बहुत मज़े का लगा, और प्राइस भी बहुत ज़्यादा मुनासिब है। टू पर्सन का प्लेटर है, वो आपको सिर्फ पड़ेगा 1300 रुपये का, जिसमें तीन से चार बंदे आराम से खा सकते हैं, और काफ़ी क्वान्टिटी भी अच्छी थी। फोर पर्सन का प्लेटर है, वो आपको पड़ेगा 2500 बस, और उसको तकरीबन पाँच से छः बंदे आराम से खा सकते हैं, और भाई बहुत ही आला मलीर वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है। पूरे मलीर में मेरा नहीं ख्याल कोई प्लेटर यहाँ पर सेल कर रहा है, और इतना VIP प्लेटर, तो भाई मलीर वालों को चाहिए जल्द से जल्द यहाँ पर आएँ। लोकेशन जो है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और बता भी देता हूँ रफ़ेहम चुरंगी के बिल्कुल साथ ही ये बना हुआ है दीवाने खास, और भाई ज़बरदस्त है। यहाँ पर करते हैं वीडियो का एंड, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं नई जगह नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।